हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट पे। देखिए दोस्तों, ये एक ओटीजी आया था मेरे पास ठीक होने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। ये एक तरीके का कहना चाहिए कि हीटर होता है, माइक्रोवेव से थोड़ा अलग होता है। ये खास तौर से बेकिंग के काम में आता है। और देखिए, इसमें दो रोड होती हैं, एक नीचे में होती है और एक रोड होती है ऊपर में। ये दोनों रोड हैं और एक होता है फैन इधर में। ये तीन चीज़ें इसके अंदर में होती हैं और इसके फंक्शन दिए होते हैं। यहाँ सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, नीचे में दिया है फंक्शन। फंक्शन से मतलब ये है कि आपको एक रोड चलानी है तो उसके लिए अलग सेटिंग है, दो रोड चलानी है उसके लिए अलग सेटिंग है, रोड और फैन चलानी है उसके लिए अलग सेटिंग है। और सबसे नीचे है टाइम। टेम्परेचर इसमें 250 डिग्री तक होता है और टाइम इसके अंदर में आपको मिल जाएगा 90 मिनट तक। तो ये तीन स्विच होते हैं, दो रोड होती हैं, एक फैन होता है। अब हम पीछे की तरफ आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या लगा रहता है। तो देखिए, हम आ गए हैं इधर और सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सामने जो बॉक्स में दिखाई दे रहा है, ये बल्ब है। तो देखिए दोस्तों, ये इसके इंटरनल पार्ट हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि ये पार्ट क्या क्या हैं। ये आपके सामने जो है बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर बल्ब है, ये सेंसर है, यहाँ पे देखिए ये सेंसर है जो यहाँ पे कनेक्ट है, ये सेंसर है। और ये एक मोटर है जो आप तंदूरी चिकन वगैरह का बनाना चाहें उसके लिए है, उसे रोटेट करता रहता है। ये पंखे का मोटर है अंदर में। और ये स्विचेस आपको पीछे में दिख रहे हैं, ये सबसे ऊपर में हमारा था टाइमर, वो टेम्परेचर का स्विच, ये फंक्शन का स्विच और ये आपका टाइमर। ऊपर टेम्परेचर, फंक्शन और टाइमर, ये तीन स्विच हैं। एक मोटर है, एक पंखा है फैन, और एक मोटर है छोटा जो कि तंदूरी चिकन वगैरह को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। एक बल्ब है, एक सेंसर है। बस ये सिंपल अरेंजमेंट है। वायरिंग इनकी सिंपल है कि आपने टेम्परेचर की तो सीरीज में होएगा, और जो फंक्शन है उसमें अलग अलग चीज़ों के वायर कनेक्ट है, वन बाय वन वो सिलेक्ट होते हैं। और जो टाइमर है, टाइमर भी सीरीज में लगा हुआ होगा। मोटर और बल्ब पैरेलल में है। तो ये इसकी सारी सेटिंग है और ये बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है। आप इसे कभी ख़राब हो तो इसे इजली ठीक कर सकते हैं। तीन स्विच है, उनमें से कोई ख़राब होगा, अगर कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, मान लीजिए टेम्परेचर का कुछ काम नहीं कर रहा, तो सेंसर या टेम्परेचर स्विच ख़राब हो सकता है। अगर टेम्परेचर सेटिंग काम नहीं कर रही है या हीटर नहीं चल रहे हैं तो इसे आप चेक कर सकते हैं। टाइमर भी चेक किया जा सकता है, फंक्शन स्विच भी चेक किया जा सकता है। बहुत सिंपल अरेंजमेंट है, आप इसे देखेंगे तो आप इजीली इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपके आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए इसे दिखाया है, क्योंकि मेरे पास ये सिर्फ रिस्टोर होने के लिए आया था। काफ़ी पुराना था, बहुत गंदा था, और मैंने आज इसे पूरे को रिस्टोर किया है। हाथ बहुत कट गए हैं क्योंकि ये बहुत शार्प होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कुछ कुछ समझ गए होंगे कि ओटीजी अंदर से किस तरीके का होता है और ओटीजी को आप किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे, ये भी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। देखिए अंदर बहुत सिंपल, सिर्फ तीन स्विच, एक पंखा, एक बल्ब और एक छोटा सा मोटर, बस यही है और कुछ नहीं। दो हीटर रोड है बस, और बाकी कुछ नहीं है। सिंपली आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।